नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि ऋषि लक्ष्मी को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और सभी के सामने बोलते हुए नजर आएंगे कि लक्ष्मी ने कभी भी इस परिवार के लिए बुरा नहीं चाहा और ना ही लक्ष्मी कभी इस परिवार के लिए बुरा चाह सकती हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमेशा से ही लक्ष्मी ने इस परिवार की भलाई के लिए काम किया है और प्रेगनेंसी की बात आ रही थी, अब वो पूरी तरीका से ओपन हो चुकी है, जिसमें पता चला है कि लक्ष्मी का कोई भी किसी भी तरीका से फॉल्ट नहीं है। अगर किसी का फॉल्ट है तो वो आप लोग समझ रहे होंगे कि सीधा सीधा हनन ने बता दिया है कि मेरी रिपोर्ट को सही करने के लिए जो कि लक्ष्मी भाभी ने ये कदम उठाया है। साथ ही दोस्तों, आपको कुछ बड़ी अपडेट से भी रूबरू करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि ऋषि और लक्ष्मी पहले से एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और जहाँ तक बात डिवोर्स की जाए तो डिवोर्स अब पूरी तरीका से कैंसिल हो चुका है, क्योंकि जहाँ पर लक्ष्मी की सच्चाई ऋषि के सामने आ चुकी है, जिस पल का ऋषि को इंतज़ार था वो ही हुआ, क्योंकि ऋषि को लग रहा था कि लक्ष्मी कभी भी बुरा नहीं कर सकती और लक्ष्मी का किसी के साथ में कोई संबंध है ही ना। सो दोस्तों, वैसा ही हुआ है, क्योंकि लक्ष्मी प्रेग्नेंट नहीं है बल्कि प्रेग्नेंट है तो ऋषि की बहन आहाना ही है, क्योंकि आहाना ने इस सच्चाई को खुद ऋषि से बताया है ताकि लक्ष्मी और ऋषि का डिवोर्स ना हो पाए। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट एक बार फिर से देखने को मिलेगा, जहां आहाना की सगाई टूटने जा रही है और आहाना की सगाई टूटने का जो कारण है वो पूरी तरीका से कारण आप लोग समझ ही रहे होंगे कि इस तरीका से कि जब आप लोग देख पाएंगे कि आहाना ने अपनी सच्चाई को खुद अपने इन लॉस और अपने फैमिली के आगे पूरी तरीका से एक्सेप्ट कर लिया है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जहां पर मलिष्का बहुत ज़्यादा परेशान होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि मलिष्का को लग रहा है कि अब ऋषि लक्ष्मी को कभी भी डिवोर्स नहीं देगा और ये दोनों एक हो चुके हैं। हालांकि ऋषि की मॉम नीलम बहुत ज़्यादा प्रेशर देती हुई नजर आने वाली हैं ऋषि के ऊपर। साथ ही दोस्तों, अनुरोध करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए। गाइज, थैंक यू सो मच, गाइज, लव यू।